साढ़े सत्रह हाथ ऊपर कीजिए अरे कीजिए ना <laughs> सीना लिख ले भाई पैंतीस नहीं चौतीस चौतीस की पैंतीस सर थोड़ा फुलाइए 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 <laughs> साढ़े चौतीस लिख ले हाँ बेटे पापा मैंने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया आता हूँ बेटा सीना चालीस कर दो हैं जिम ज्वाइन कर लिया है बेटे ने अड्डा ज्वाइन तो ना तो चाड़ा चालीस कर दे। की एक्सपर्थ और एक्सपर्थ और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग टीचिंग एस एस सी जैसे अनेक कम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन जॉब है हेलो एवरीवन नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अडे ट्वेंटी फोर सेवन हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर टूडेज ऑफ फोर्टीन ऑफ जुलाई आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे ओके okay? काफ़ी कुछ है मेरे पास आज मैंने एक चीज़ और ऐड करी है वो आपके समझ में आएगा ठीक है कंपाइलेशन भी है आज आज अवार्ड्स से रिलेटेड भी है प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड रिलेटेड कंपाइलेशन भी मैंने ऐड कर दिया ओके okay? काफ़ी कुछ है ओके okay? स्टार्ट कर दे सेशन को विद द पॉजिटिव कोट स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन कह का मतलब क्या है देखो समझो हम लोग ये समझते हैं कि हम परफेक्ट बन सकते हैं अच्छी चीज है समझना भी चाहिए हर एक व्यक्ति चाहता है परफेक्ट बनना लेकिन परफेक्शन शत प्रतिशत कभी आता है मेरे दोस्त ये मानना कि परफेक्ट हो चुके हो यह अच्छी चीज नहीं मैं मानता ठीक है हमेशा मैं कहता हूं कि लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ आप सीखते रहिए सीखते रहिए जानते रहिए आपके अंदर मेरे दोस्त खुद को इंप्रूव करने की भूख होनी चाहिए एक व्यक्ति मैंने बहुत बार देखा मैंने बहुत बार बहुत लोगों को देखा है चाहे मैं अपने आसपास देखूं या कहीं देखूं लोग शु, जब इस शुरुआत करते हैं ना तब उनके अंदर भूख होती है बट वो धीरे 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 जैसे अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वो भूख कम होती चली जाती है मैं चंद लोगों की बात कर रहा हूं ठीक है मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कंसिस्टेंट अपनी भूख बरकरार रखते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि जो बीच में कहीं ना कहीं मेरे दोस्त अप एंड डाउन अप एंड डाउन चले जाते हैं क्योंकि वो उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं लाइफ में ना परफेक्शन के पीछे मत भागो अपने लिए progress, ये आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएंगी मैं कभी नहीं कहूंगा यू विल बी हंड्रेड परसेंट परफेक्ट ओके सत प्रतिशत कोई भी नहीं है मेरे दोस्त कोई भी नहीं है ना मैं हूं ना आप हूं कोई भी नहीं है नो बडी इज हंड्रेड ओके इस बात को एक्सेप्ट करिए आप भी और हम भी सब समझेंगे हमें बस ये समझने की जरूरत है कि हमें हमेशा गुंजाइश रहती है कहीं ना कहीं लर्निंग की कहीं ना कहीं प्रोग्रेस की तो करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए मतलब हर दिन जब सुबह उठा करें तो जब शाम को सुबह करें तो दिमाग में कहीं ना कहीं होना चाहिए कि आज मैंने क्या नया सीखा आज मैंने अपनी लाइफ में क्या इंप्रूव किया मैंने अपने पूरे चौबीस घंटे में क्या नया किया या मैंने मेरे दोस्त क्या कल की अपेक्षा आज बेहतरीन किया तो मतलब कहीं ना कहीं जब शाम का वक्त हो मेरे दोस्त और वही है कि आराम से सोने का वक्त होता है उस टाइम पर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं थॉट्स होना बहुत जरूरी है कि आज मेरी पूरे दिन की जर्नी में वो भी पॉजिटिव टेंशन में नहीं आज मैंने क्या किया आज मेरे से क्या ऐसा नहीं यार मेरे दोस्त पॉजिटिव वे में ओके पॉजिटिव थाट के साथ हम जितना खुद को कूल जितना खुद को काम जितना खुद को मेरे दोस्त बहुत कह सकते हैं कि दोस्त इस तरीके का रख सकते हैं कि हम चीजों को अडॉप्ट कर पाए तो कहीं ना कहीं जरूरी है समझना है कि खुद के लिए सोचना भी ओके और लाइफ में ना कहीं ना कहीं दोस्त कही तो ये जो लर्निंग है प्रोग्रेस से बनाए रखिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए आप अपने आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे आप इतना आगे हो जाएंगे ना इतना आगे हो जाएंगे आपको खुद एहसास नहीं होगा क्योंकि लोग हमेशा अगर हारते हैं तो उसका कारण वो खुद होते हैं अगर एक व्यक्ति निरंतर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ करता ही रहता है वो बहुत जल्दी दोस्त कुछ ना कुछ कर जाता है लेकिन अगर व्यक्ति मेरे दोस्त बहुत सारा टैलेंट लेके बैठा है उसको लगता है कि वो परफेक्ट है और वो सोचता है कि मैं कर ले जाऊँगा और वो अपनी निरंतरता को बरकरार नहीं रखता ये बहुत एक कहीं ना कहीं उसके लिए दोस्त एक मैं कह सकता हूँ कि नेगेटिव होता है ओके तो लाइफ में पॉजिटिविटी रखिए पॉजिटिव थाट रखिए निरंतरता बनाए रखिए करते रहिए लर्निंग करते रहिए करते रहिए

ट्वेंटी फोर मंथ के साथ मिल रहा है और उसका प्राइस भी बहुत नॉमिनल है वन फोर नाइन सिक्स ओके अब यह रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको पड़ेगा वन फोर नाइन सिक्स में चौबीस महीने वैलिडी के साथ वॉरियर प्रो बैच ओके okay? इसमें आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए वॉरियर थ्री पॉइंट जीरो 4.0 मिल मिल रहा है, ये में मिल रहा है, है, ये ये में आपको 23 तारीख से होगा. पर चलेंगे. आज इसमें मे की क्लास शुरू होने वाली सुबह साढ़े आठ बजे सेमसीक्यू आपको मिलेंगे यहां पर 3000 प्लस एमसीक्यू प्लस इसके अलावा स्ट्रेटिक जीके ये चार बैचेस का कॉम्बो है वॉरियर प्रो आज जाके इसमें एनरोल कराइएगा फाइन वाई कोड याद रखना अपने भाई का वाई ओके फाइन चलिए बढ़ते पहले सवाल की तरफ फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एट ए प्री प्राइमरी लेवल बताइए कौन सा राज्य पूर्व प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों यह है उत्तराखंड ओके उत्तराखंड के करंट अफेयर का कंपाइलेशन मैंने तैयार नहीं किया इसलिए यहां पर हम लोग इसे स्किप करेंगे आगे बढ़ते हैं रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन जून अच्छा यहां पर कहने का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो टॉलरेंस लेवल है अपर टॉलरेंस टॉलरेंस लेवल लेवल है 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 वो कितना है? 6 है, लेवल कितना लोअर तो पिछले छह महीने ऐसे रहे जिसमें आरबीआई का जो अपर टॉलरेंस लेवल है सिक्स परसेंट उसको रिटेल इन्फ्लेशन क्रॉस कर चुका है सवाल यहां पर वही है कि रिटेल इन्फ्लेशन कितना रहा है मेरे दोस्त जून महीने में तो राइट आंसर इज सेवन पॉइंट जीरो वन परसेंट ओके 7.01% पॉइंट जीरो वन परसेंट इसको जरूर याद रखना 7.01% पॉइंट जीरो वन परसेंट अब रेस्ट कौन कौन से महीने के रिटेल इन्फ्लेशन है चेक कर लीजिए जनवरी का है सिक्स पॉइंट जीरो वन परसेंट इंपॉर्टेंट मार्क करना जनवरी महीने में सिक्स पॉइंट जीरो वन परसेंट फरवरी महीने में 6.07 परसेंट मार्च महीने में 6.95 परसेंट ओके okay? अप्रैल महीना 7.79 सबसे ज्यादा किसमें रहा था अप्रैल महीने में 7.79 परसेंट okay? ओके मई महीने में 7.04 परसेंट एंड जून महीने में 7.01 परसेंट रहा था क्लियर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगला सवाल गवर्नमेंट ऑफ जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया किस व्यक्ति को जापान और भारत के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसे मजबूत करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है वेल डन राइट आंसर बनेगा यहां पर नारायणन कुमार ओके okay? नारायणन कुमार किशोर कुमार दास फ्रैंक फ्रेंक विजय अमृतराज एंड सागर सनवारिया अब ये सभी के सभी कहीं ना कहीं न्यूज में रहे उसका रीजन था इन सभी को किसी ना किसी अवार्ड से अवार्ड मतलब सम्मानित किया गया है जरा देखते हैं किस अवार्ड से रेनु जतना और ये जो सागर सनवार हैं इन दोनों को ही बोथ हैव बीन फॉर राइटिंग बुक्स ओरिजिनली इन हिंदी ऑन इकोनॉमिक्स बैंकिंग फाइनेंशियल सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंशियल सब्जेक्ट के ऊपर हिंदी में किताब लिखने के लिए आरबीआई के द्वारा इन दोनों को रेनु जतना ओके और सागर सनवार को सम्मानित किया गया विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा या इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के द्वारा तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया विजय अमृतराज को ओके टेंपलेटन प्राइस से किसको सम्मानित किया गया फ्रैंक विल्ज़ेक को टेंपलेटन प्राइस से फ्रैंक विल्ज़ेक को सम्मानित किया गया फाइन यूके का जो कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड है किशोर कुमार दास को सम्मानित किया गया नाम है किशोर कुमार दास फाइन जितने भी अवार्ड आ रहे न, दिमाग में मेरे दोस्त तो उनका रिवीजन करते चलिएगा ठीक है ये तो अभी मैंने चार यहां पर लिखे हैं बहुत सारे अवार्ड है ऑलरेडी मैं करा भी चुका हूं मैं रिवाइज कराता भी रहूंगा बट जितने भी अवार्ड अभी रिसेंट में दिए गए हैं उनको भी याद रखना

और जो ये जो आर बाइडन साहब है जो बाइडन साहब है जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है ये भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो चारों लीडर के नाम याद रखिएगा ऑल ऑफ दी ओके ये सभी सभी के सबी आई टु, यू टु, जो वर्चुअल समिट रहने वाला है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे नेक्स्ट दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज है सिक्सटीन ऑफ जुलाई को यानी कि आज से एक मतलब डे आफ्टर टुमारो बारह बजे गिव अवे हम लोग लेकर आ रहे हैं तो उस गिव अवे में भी आप लोगों को जोड़िएगा ओके ऑफ जुलाई बारह बजे फाइन नेक्स्ट रेगुलेटर आई आर डी आई हैज सेटअप टास्क फोर्स टू शॉर्ट आउट इशूज बिटवीन नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस हु इज द चेयरमैन नियामक आई आर डी आई ने गैर जीवन बीमाकर्ताओं और पुनर्जीवन

के कस्तूरी रंगन और आरवी रविंद्रन ये किस किस कमेटी को लीड कर रहे हैं जरा बताएंगे आप लोग ये किस किस कमेटी को लीड कर रहे हैं बहुत बढ़िया जरा देख लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन सेक्टर के लिए कमेटी बनाएगी नागरिक उड्डयन के लिए ओके डालमिया सीमेंट इंडस्ट्री रिलेटेड कमेटी राजेश वर्मा कंपनी लॉ कमेटी आरवी रविंद्रन पैगासस सर्वेलेंस केस और जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क रिलेटेड है या नेशनल एजुकेशन रखना ज्योतिरादित्य सिंधिया लॉ कमिटी राजेश वर्मा आरवी रविंद्रन नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क रिलेटेड या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड कमेटी के कस्तूरी रंगन तो पांच और एक कमेटी रिवाइज कर ली आगे देखिएगा एक और ई ने एक और टास्क फोर्स बनाई थी जो इंश्योरेंस सेगमेंट है, है और री इंश्योरेंस है ठीक है इसको देखने के लिए और इसके चेयरमैन का नाम क्या है इसका नाम दीजिएगा जरा रेगुलेटर टू टू विल ठीक है टू लुक एट लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट री इंश्योरेंस हु इज द चेयरमैन इसके चेयरमैन का नाम क्या है इसके चेयरमैन का नाम है नवीन ताहलयानी ओके नवीन ताहलयानी अब जरा रेस्ट ऑप्शन देखिएगा वीजी सोमानी, अशोक कुमार टंडन पी वासुदेवन एंड विजयंत पांडा अभी मैंने एक कल ही शायद से दोस्त या परसों मैंने कुछ सात आठ कमेटी कराई थी वो बिल्कुल न्यू है ये कुछ पुरानी कमेटी है ये इंपॉर्टेंट है इसलिए रिवीजन करा रहा हूं फोकस करना नेशनल कैडेट कॉप्स एनसीसी को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनी उसके हेड थे विजयंत पांडा ओके okay. एनसीसी को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनी हेड का नाम विजयंत पांडा जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम है इसकी गाइडलाइंस को रिव्यू करने के लिए जो कमेटी जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम ओके अशोक कुमार टंडन न्यू अमरेला एंटिटी लाइसेंस के लिए कमेटी पी वासुदेवन और दोस्त मेडिकल डिवाइस लॉ या ड्रग्स कॉस्मेटिक मेडिकल डिवाइस लॉ के रिगार्डिंग प्रिपेयर प्रिपरेशन के लिए सिंपल शब्दों में ड्रग कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइस ओके इनके लिए लॉ को प्रिपेयर करने को लेकर फ्रेम करने को लेकर जो कमेटी बनी थी उसके हेड थे सोमानी तो आज हम लोगों ने पांच और मेरे दोस्त करीब ग्यारह कमेटी हम लोगों ने रिवाइज कर ली आपको बस इतना काम करना है एक शॉर्ट नोट्स बनाने कमेटी चेयरमैन या टास्क फोर्स पैनल इस तरीके से लिख लेना और उसमें इस तरीके से लिखना मेरे दोस्त पर्सन का नेम पहला नेम मेंशन करना ओके okay? उससे कमेटी का नाम यहां पर मेंशन करना कमेटी मत करना पहले पहले नेम मेंशन करना अगर आपके दिमाग में नाम है ना तो मेरे तो कमेटी आप कर लोगे आराम से ठीक है क्योंकि होता क्या कभी कभी एक एक व्यक्ति के नाम पे दो दो कमेटी भी होती है <coughs> तो ये एक्स एक्स व्यक्ति होगा उसकी कमेटी वाई व्यक्ति उसकी कमेटी इस तरीके से याद रखना आप खुद के नोट्स बनाते चले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा तीस चालीस पचास कमेटी बनेंगी जब आप ऐसे नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो वो खुद ब खुद आप जब जब नहीं पढ़ोगे तब तक पुराना रिवाइज करोगे तो इससे आपके लिए मेरे दोस्त बड़ा फायदा रहेगा इस तरीके से कोशिश करना बनाने की ओके नेक्स्ट देखिएगा अगला हु हैज हुन द आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून हु हैज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून ओके मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पहले ये बताइए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है

Cap, okay? अब इतनी मेहनत कौन करें ये खुश आईसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड फाइन काम आसान कर दिया मैंने तुम लोगों का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मे और जून हो गया मेल प्लेयर की कैटेगरी ये रही किस कंट्री से है फीमेल प्लेयर की कैटेगरी रही किस कंट्रीज से एक बार जरा देख लीजिए फटाफट से कंटेंट पसंद है लाइक जरूर करते चलना सेशन को भाई जनवरी ऋषभ पंत अरे भैया तुम अभी दो हजार इक्कीस में चल रहे हो ये दो हजार बाईस के हैं ये दो हजार बाईस के चल रहे ओके जॉनी बेस्टो इंग्लैंड के जून महीने के लिए एंजेला मैथ्यू श्रीलंका ये मई महीने के लिए केशव महाराज साउथ अफ्रीका अप्रैल महीने के लिए बाबर आजम पाकिस्तान के मार्च महीने के लिए श्रेया शायर, इंडिया के फरवरी महीने के लिए कीगन पीटरसन साउथ अफ्रीका के जनवरी महीने के लिए ओके इसी तरीके से हैदर नाइट जनवरी एमिलिया कीर फरवरी रेशल ये मार्च एलेसा हिली अप्रैल ट्यूबा होसन मई और मैरीजाने कैप ये दोस्त जून हो गया डन क्लियर

2022 का ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा 2024 का पहली दफा यूनाइटेड स्टेट होस्ट करने जा रहा है वेस्ट इंडीज के साथ मिलकर ओके 2026 का वर्ल्ड कप जो रहेगा मेरे दोस्त इसको इंडिया होस्ट करेगा श्रीलंका के साथ मिलकर ठीक है दो का दो की बात कर लेते हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फिर दोबारा से आ जाएंगे ठीक है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सही जा रहा है दो का इंग्लैंड आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड ओके इंग्लैंड आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड ये हो गया और दो हजार तेईस का आईसीसी वीमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड इसे साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा डन मेरे भाई डन मेरे भाई क्लियर है यहां तक <coughs> ठीक है आईसीसी मेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया बाईस का फिर चौबीस का यूएस वेस्ट इंडीज छब्बीस का इंडिया श्रीलंका फिर अट्ठाइस का यहां पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और तीस का इंग्लैंड आयरलैंड स्कॉटलैंड ओके और तेईस का जो इन्होंने इन इन गोल्ड मेडल जीता था हंड्रेड मीटर रेस में असल में जो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप रही थी फिनलैंड में रही थी और वहां पर इन्होंने भारत के लिए हंड्रेड मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता चलिए बहुत बढ़िया बात इज फ्रॉम अ विच स्टेट ओके ये मैंने कल नहीं बताया था कि ये किस राज्य से है शी इज फ्रॉम विच स्टेट बताइए दोस्तों शी इज फ्रॉम विच स्टेट एक सेकेंड <second. coughs> <coughs> बहुत बढ़िया हरियाणा ओके शी इज फ्रॉम विच ए स्टेट हरियाणा स्टेट हैं ये हरियाणा राज्य से है क्लियर है भाई नेक्स्ट सीखेगा जरा यार यहां पर हरियाणा का कंपाइलेशन देखना समझना ई अधिगम स्कीम जो है स्टूडेंट को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक बार चेक करो क्या स्क्रीन कट रही है क्या कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि स्क्रीन कट रही है ऐसा है क्या जाओ जी एक एवरेज मंथ कट रही है भाई स्क्रीन अरे हल्की और उल्की नहीं होता है कट तो कट रही ना हाँ। अब ऑल ओके गुरु आधा घंटे से हम ऐसी करा रहे ऑल ओके अब जरा देखना चेक करते रह करो भाईजान बैठे बैठे उधर ठीक है ये स्कीम जो है ये स्टूडेंट को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हरियाणा की चारा बिजाई योजना है ये फोर्डर कल्टिवेशन के लिए ओके व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन हरियाणा ने शुरू करी है फाइन मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये भी हरियाणा की है थर्टी फिफ्थ तो सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला यह हरियाणा के फरीदाबाद में रहा था फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर ये मानेश्वर में लगाया गया है सुषमा स्वराज अवार्ड हरियाणा ने शुरू किया महिलाओं के लिए और मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम भी इसी की है असल में अभी दोस्त नेशनल एमएसएमई अवार्ड दिए गए थे पहले नंबर पे जो रहा था फर्स्ट वो उड़ीसा को दिया गया था फिर उसके बाद बिहार दूसरे पे रहा था और तीसरे पे यहां पर हरियाणा स्टेट रहा था तो ऐसे भी याद रखेंगे हम लोग नेशनल एमएसएमई अवार्ड में पहले पे उड़ीसा है दूसरे पे बिहार है तीसरे पे हरियाणा ठीक है मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा की सुष्मिता ये सुषमा स्वराज अवार्ड महिलाओं के लिए हरियाणा वर्चुअल स्मार्ट नॉलेज सेंटर मानेश्वर में हरियाणा ओके इंटरनेशनल क्राफ्ट फरीदाबाद मुख्यमंत्री बीमा योजना हो गया। हो गया व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन रिलेटेड है वो भी लिखते चलना चलो नेक्स्ट आगे मेरे दोस्त इसके अलावा भाइयों आप लोगों के लिए

12 12 24 मंथ के साथ आज डबल में मिल रहा है आपको वॉरियर बैच इसे भी एनरोल करा सकते हैं अब बढ़ते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर का नाम है पीयूष गोयल इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी को हरियाणा के पंचकुला में इनोग्रेट किया है कहां पर हरियाणा के पंचकुला में तो जो पीयूष गोयल साहब है ये तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है ओके वाणिज्य मंत्री हैं इसके अलावा टेक्सटाइल मंत्री भी हैं कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय भी देख रहे हैं तीन मंत्रालय देख रहे हैं कंज्यूमर अफेयर तो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री टेक्सटाइल मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और इन्होंने हरियाणा के पंचकुला में इनोग्रेट कर दिया है एनआईएफटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी ये दोस्त देश का सेवनटीन एनआईएफटी कैंपस है ओके ओके दिस इज एनआईएफटी कैंपस ऑफ ऑफ अ कंट्री कंट्री द कुल मिलाकर एक करोड़ इसकी लागत लगी है इसको बनाने में छह करोड़ लागत लगी किस, किस नंबर का है ये ओके नेक्स्ट देखेगा गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने मोहम्मद मुस्तफिजूर रहमान को बांग्लादेश का भारत में राजदूत नियुक्त किया है तो बांग्लादेश ने भारत में अपना जो बनाए हैं ओके है अपना एम्बेसडर उनका नाम है मुस्तफिजुर रहमान इंपॉर्टेंट ये भी है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है तो ही विल बी रिप्लेसिंग मोहम्मद इमरान ओके वो मोहम्मद इमरान की जगह लेंगे तो सिंपल शब्दों में बांग्लादेश ने मोहम्मद इमरान की जगह पर मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है देन मेरे भाई दोनों क्लियर है दोनों ही यहां पर एनआईएफटी वाला भी क्लियर होना चाहिए और ये भी नेक्स्ट यार आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ज्वाइन करेगा असल में ये है नरेंद्र सिंह तोमर साहब ओके और इनके साथ इनकी मुलाकात होती है यहां पर वर्चुअल आप देख सकते हैं मुलाकात चल रही है और इस मुलाकात में इन्होंने डिसाइड किया कि अब आंध्र प्रदेश फिर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ज्वाइन करेगा अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या है आप अलग अलग तरीके से मेरे दोस्त अपना व्हीकल का अब इंश्योरेंस इंश्योरेंस कराते है, लाइफ कराते हैं हैं लाइफ जनरल इंश्योरेंस कराते हैं उसी तरीके से जो किसान होते हैं वो अपनी फसल का इंश्योरेंस कराते क्रॉप का कराते हैं हैं क्रॉप इंश्योरेंस कि कल को मेरे दोस्त किसी कारण उनकी फसल बर्बाद होती है किसी कीटनाशक पेस्ट की वजह से या हो सकते हैं मेरे भाई नेचुरल क्लैमिटी की वजह से तो ऐसे में क्या होगा कि उसकी फसल बर्बाद हुई तो उसका उसको मुआवजा तो भी मिल पाएगा इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लाया गया था

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत तीन पॉइंट जो आपके एग्जाम में बनते हैं ओके कि कितना प्रीमियम पे करना पड़ता है तो आपको याद रखना है खरीफ रवि और यहां पर याद क्रॉप ओके तो तो खरीफ अगर फसल है तो उसके लिए प्रीमियम देना पड़ेगा अगर रवि है तो उसके लिए डेढ़ परसेंट और कॉमर्शियल क्रॉप के लिए आपको फाइव परसेंट का प्रीमियम पे करना पड़ेगा लाइक ए टी एक बार देखेगा खरीफ के लिए टू परसेंट हो गया रवि के लिए डेढ़ परसेंट हो गया वन पॉइंट फाइव परसेंट और कॉमर्शियल क्रॉप के लिए फाइव परसेंट आ गया ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है एग्जाम में यही पूछा गया था इसका प्रीमियम का रेट आप अब बताइए आप, आप सिर्फ इतना पढ़ के चले जाइए आंध्र प्रदेश ने ज्वाइन किया एग्जामिनर थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा रहा है उसने ये कहा कि चलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना उसका उसको लॉन्च कब किया गया किन्न लॉन्च किया ये तो चलो बेसिक हो गया चलो ये बता दो कि रवि के लिए प्रीमियम कितना है खरीफ के लिए प्रीमियम कितना है कॉमर्शियल क्रॉप के लिए प्रीमियम कितना है तो इसको जरूर याद रख के चलना ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि अपने राजनाथ सिंह साहब है उनका एक स्टेटमेंट आता है और वो ये कहते हैं कि 2025 तक हमारा टारगेट है पैतीस हजार का, का, का एक्सपोर्ट भी शामिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्जामिनर कुछ इस प्रकार पूछेगा कि, कि किस वर्ष तक का इतना टारगेट रखा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टारगेट पूछे जाते हैं यही हो सकता है कि टारगेट ही पूछ ले कि इस वर्ष तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोडक्शन का टारगेट कितना है जिसमें कि एक्सपोर्ट इतना है

BCCI ने अब आप कहोगे सर यार ये क्या मतलब किस प्रकार की न्यूज़ पढ़ा रहे हो? इंडियन क्रिकेट टीम अनाउंस एक एक क्रिक अनाउंसमेंट कर दिया है अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स यानी दो के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो यूके के बर्मिंगम में होंगे पॉइंट नंबर वन यूके के बर्मिंगम में okay? दूसरा मेरे भाई इसमें जो इंडियन टीम है उसको लीड कौन करने जा रहा है उसमें कैप्टन कौन होगा इंडियन क्रिकेट टीम इसमें पार्टिसिपेट पंद्रह करेंगे आपको यह बताने कॉमनवेल्थ गेम्स का मैस्कॉट क्या ये वाला स्टेटमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दिस विल बी द फर्स्ट अपियर फॉर विमेन क्रिकेट एट सी डब्ल्यू विद ओके okay, देखो यहां पर इन्होंने स्टेडियम का नाम दे दिया है कि यूके के बर्मिंगम में जो ये एड्स बैटन बेस्टन स्टेडियम है ओके okay? एज बेस्टन क्रिकेट ग्राउंड है एज बेस्टन क्रिकेट ग्राउंड है वहां पर मैचेस रहेंगे ओके okay? और फर्स्ट अपीयरेंस रहेगी इस लाइन को हटाओ ये इंपॉर्टेंट है क्रिकेट हैज बीन प्लेड बिफोर 1998 मतलब उन्नीस में जो क्वाला गेम्स रहे थे ओके okay? उसमें क्रिकेट शामिल था अब यहाँ पर क्रिकेट टीम पहली बार पार्टिसिपेट करने जा रही है तो उस दौरान समझ में आया पैरी बहुत बढ़िया देखो अब यहां से क्लियर हो गया कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर हो रहा है यूके के बर्मिंगम में होगा पॉइंट नंबर वन ठीक है पॉइंट नंबर टू हरमनप्रीत कौर इंडियन टीम को लीड करेंगे हरमनप्रीत कौर ओके तीसरा पॉइंट हो गया पेरी इसका मैस्कॉट है पेरी मैस्कॉट हो गया फोर्थ पॉइंट हो गया इससे पहले उन्नीस में ठीक है क्वाला लमपुर जो गेम्स रहे थे उसमें क्रिकेट टीम ने पार्टिसिपेट किया तो यहां पर साउथ अफ्रीका है जिसने की गोल्ड मेडल जीता था <coughs> क्लियर है दोस्तों साउथ अफ्रीका के द्वारा यहां पर गोल्ड मेडल जीता गया था फाइन और इसके अलावा स्टेडियम का नाम और याद रख लेना कि ये जो स्टेडियम है पूछ सकता है स्ट्रेटिक के रूप में कि एच स्टेडियम कहां पर है ठीक है क्रिकेट ग्राउंड कहां पर है तो ये यूके में है पॉइंट हो गए नेक्स्ट ईयर दो गोल्ड मेडल के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं असल में जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का वर्ल्ड कप है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप चल रहा है भारत के लिए जो पहला गोल्ड मेडल लेकर आए थे शूटिंग में उनका नाम है अर्जुन बबूता ओके अर्जुन बबूता ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता अब अर्जुन बबूता के बाद अर्जुन ने टोक्यो दो बीस के जो सिल्वर मेडलिस्ट लुकास, बीस के टोक्यो के सिल्वर है, लुकास उनके उनको हरा कर जीता गया था ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेगा ये दो अलग अलग न्यूज है बट मैं एक ही साथ मर्ज कर दी है मेहुली घोष और साहू तुष्कर माने मेहुली घोष और साहू तुष्कर माने इन दोनों ने इंडिया के लिए सेकेंड गोल्ड मेडल जीता है टेन मीटर एयर राइफल में तो भारत के लिए, लिए डायरेक्ट सवाल ये ना पूछते हुए पूछ ले इनका नाम देते हो मेहुली घोष इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट या फिर सानू तुषार माने किस खेल से संबंधित है ठीक है भाई ऑल डन <coughs> चलो आगे दो और स्पोर्ट्स न्यूज है इंपॉर्टेंट है अभी इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया था ओके टी ट्वेंटी सीरीज में और रोहित शर्मा बिकम फर्स्ट कैप्टन टू रिकॉर्डेड रिकॉर्डेडीन सक्सेसिव टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी जीत दर्ज करने वाले रोहित शर्मा लगा लगातार तेरे जीत दर्ज करने वाले पहले कप्तान बने हैं रट्टा मार लेना आगे बढ़ते हैं दूसरा रिकॉर्ड और शानदार है मोहम्मद शामी फास्टेस्ट इंडियन बॉलर है जिन्होंने एक सौ पचास ओडिया विकेट लिए हैं मतलब 150 वनडे इंटरनेशनल विकेट लेने वाले भारत के फास्टेस्ट बॉलर बन गए हैं अब सवाल उठता है कि सर भारत के हैं तो वैश्विक स्तर पे या विश्व में मेरे दोस्त किस नंबर पे सारी चीज समझते हैं मतलब भारत का रिकॉर्ड भी इन्होंने ब्रेक किया है तो इससे मतलब पहले किसी और के नाम रहा होगा उनका नाम भी जानते हैं और विश्व में किस नंबर पर उनसे पहले कौन कौन है सारा समझ लेते हैं

नाम किसका अफगानिस्तान के देख ये रहा राशिद राशिद खान खान ओके इनके साथ ही तीसरे नंबर 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 पे है। पहले पे पे हैं हैं पहले मिशेल स्टार्क फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन्होंने इन्होंने 150 विकेट लिए थे मात्र मात्र 77 मैचेस मैचेस में में जबकि पाकिस्तान के सकलेन मुस्ताक ये दूसरे पे मैचेस में थे। तो दोस्त जरा देखिएगा 8 मैचेस में लिए हैं और ये जो मोहम्मद सामी हैं इनको दोस्त 80 मैचेस लग गए इतने विकेट लेने में ओके मोहम्मद सामी ही इज फ्रॉम इंडिया डन मेरे दोस्त क्लियर ऑल डन भाई सेशन पसंद आ लाइक जरूर करते चलना यार भाई अब आप सोचोगे सर इतनी डिटेल जरूरत थी अब एग्जामिनर को पता है गुरु यहां से इतना डायरेक्ट सवाल नहीं पूछने वाला ओके समझ लो दो चुड़िया उड़ तोता उड़ थोड़ी चल रहा है मेरे भाई की इजी इजी चीजें करवाएगा ठीक है वो आपसे यही पूछेगा इस तरीके का पूछेगा कि दूसरे नंबर पे कौन है पहले नंबर पे कौन है ठीक है इंडिया इन्होंने रिकॉर्ड किसका ब्रेक किया ने कितने मैचेस में ये रिकॉर्ड बनाया था तो मैचेस में इन्होंने कितने में बना दिया अस्सी मैचेस में मिशेल स्टार्क पहले पे उन्होंने कितने बना सतर में तो राशिद खान किस नंबर पे राशिद खान इन्हीं के साथ तीसरे नंबर पे है तो दूसरे पे कौन है सकलैन मुस्ताक अठहत्तर मैचेस के साथ तो ये भी याद करके चलना पड़ेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं भाई वर्ल्ड फेमस श्रावणी मेला ओके विश्व का एक फेमस है श्रावणी, श्रावणी मेला हो गया है। और बाबा वैद्यनाथ मंदिर देश के बारे ज्योतिर्लिंगों में से एक है बहुत बढ़िया क्या बात है अभी देवगढ़ में, में मेरे दोस्त मोदी जी के द्वारा कुछ इनग्रेशन भी किया दो दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था ठीक है बस इतना याद रख लीजिए ये जो ये श्रावणी मेला ही, कहां पर इनोग्रेट किया गया या फिर ये वैद्यधाम मंदिर कहां पर है नेक्स्ट यार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश जाएंगे सैटरडे को शनिवार को जाएंगे उत्तर प्रदेश ठीक है और वहां का वहां पर एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को इनोग्रेट करेंगे अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है जहां पर तेरे एक्सप्रेस वे ओके जिसमें से छह ऑपरेशनल है साथ पे अभी काम चल रहा है उसमें से एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है जिसको कि विजिट इनोग्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश विजिट करके और ये जालौन जिले की जो उरई तहसील है ठीक है जालौन जिले की जो उरई तहसील है उरई तहसील इन जालौन डिस्ट्रिक्ट और वहां का कैथरी विलेज है वहां से इनोग्रेट करेंगे देखो तो ये सब इंपॉर्टेंट बनता है डिस्ट्रिक्ट कौन सा जालौन डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट स्किप मत किया करो और डिस्ट्रिक्ट में भी चले जाओ तो उरई तहसील हो गई और विलेज कौन सा हो गया कैथरी विलेज हो गया यहां पर जो दोस्त ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस है इसको इनोग्रेट करने जा रहे हैं ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है 296 किलोमीटर का है चार लेन का एक्सप्रेसवे है, और इसको बनाने में जो लागत आई वो 14850 करोड़ रुपए लगभग 15000 करोड़ रुपए तो 14850 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर दो सौ किलोमीटर के फोर लेन एक्सप्रेस का कंस्ट्रक्शन किया गया है इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन बनती है एग्जामिनर ने क्या पूछा था एक्सप्रेस गिवन था ओके और उस एक्सप्रेस वे से ये पूछा कि वे कहा कहा से नहीं जा रहा, या जा रहा? इस तरीके है था। इस तरीके से दे दिया था कि ये तो सात डिस्ट्रिक्ट से होकर जा रहा है और एग्जामिनर क्या पता यही पूछ रहे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे सेवन डिस्ट्रिक्ट से होकर जा रहा है इनमें से वो कौन सा है या कौन सा नहीं है समझ रहे हाँ यार भाई पूछेगा समझो एग्जाम का ही सवाल रहा है मैं तो यहां तक पढ़ाकर खुश हो जाऊंगा न्यूज कवर कर ली इतने की लागत रही है इतने किलोमीटर का बस बढ़िया बट एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिला मैं इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया है सेवन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से चित्रकूट है ओके बांदा महोबा हमीरपुर जालौन औरैया और इटावा ओके जालौन औरैया और इटावा समझ में आ रहा है क्लियर है भाई ऑल डन नेक्स्ट आगे कैबिनेट और इकोनॉमिक <coughs> अफेयर जो मंत्रिमंडलीय है समिति है उसने कनेक्टिविटी प्रदान करने और गतिशीलता में सुधार करने के लिए गुजरात और राजस्थान में तरंगा हिल अंबाजी अबू रोड नई रेल लाइन को मंजूरी दी है क्या बात है इसका नाम है तरंगा हिल तरंगा हिल अंबाजी अबू रोड यार प्लीज समझ लीजिए इसको तरीके से क्योंकि जितने भी रेलवे रिलेटेड न्यूज है ना ये सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं ओके मैं आपको उसका कंपाइलेशन भी दे दूंगा जहां पर भी रेलवे का वर्ड यूज किया गया रेल रेलवे ट्रेन वगैरह वर्ड यूज किया गया है उसका भी एक कंपाइलेशन दे दूंगा कि ये फर्स्ट ट्रेन बनी है या ये स्टेशन को अवार्ड दिया गया है ओके बट अपनी तरफ से ये समझ लो कि ये इंपॉर्टेंट हो गुजरात और राजस्थान में कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए तरंगा हिल अंबाजी अबू रोड ये नई रेल लाइन है जिसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूवल दे दिया है। इसकी जो एस्टि, एस्टिमेटेड कॉस्ट रखी गई है वो दो ओके टू थाउजेंड करोड़ रुपीज रखी है 2798 तो सत्ताईस करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जाएगा और दो हजार छब्बीस तक कंप्लीट हो जाएगा

ओके okay, ये लेंथ हो गई प्लस इसके अलावा कौन से स्टेट को कनेक्ट कर रहा है गुजरात और ये राजस्थान स्टेट को कनेक्ट कर रहा है ओके okay, इसका नाम क्या है अंबाजी अबू रोड न्यू रेल लाइन ओके okay? तरंगा हिल्स अंबाजी अबू रोड न्यू रेल लाइन डन मेरे भाई क्लियर है चलो आगे अभी हम लोगों ने देखा था कि बैंक बोर्ड ब्यूरो इसका नाम बदलकर हो गया एफ एस आई बी ओके

तो हमें याद रखना है कि हु विल बी द न्यू चेयरमैन ओके नेके यू के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर तो इनका नाम है राजकीन राय जी ओके जी राजकिरण राय जी तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो हैज रिकमेंडेड जी राय जी फॉर पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एट दी नेफिड नेफिड स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट क्लियर है भाई ऑल ओके डन ठीक है नेक्स्ट आगे श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रानेल विक्रम सिंह इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया असल में हुआ क्या कि जो गोतबया राज्य पक्ष है वो माल ये श्रीलंका छोड़कर भाग गए ओके और ये मालदीव चले गए थे डिफेंस मतलब मिलिट्री जेट के माध्यम से स्थिति बड़ी बदतर हो चुकी है लोग भवन में घुस गए अलग ही श्रीलंका की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है ओके और ऐसे में यहां पर जरा देखिए जो गोतवे राजपक्षे हैं अब इनकी जगह पर नए जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिए गए वो रानिल विक्रम सिंह बना दिए गए जो कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है फाइन नेक्स्ट इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन ने एक कोलैबोरेशन किया है वेब थ्री फिनटेक स्टार्टअप विलिव डॉट क्लब के साथ ये नाम याद रखना वेब थ्री फिनटेक स्टार्टअप विलिव विलिव ओके के साथ कोलैबोशन है प्लस वेब थ्री मेटावर्स वी आई ओ एम इन दोनों के साथ रहा था तो और ओके okay? इन दोनों के साथ शिखर धवन ने अभी किया किस चीज के लिए फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्स फर्स्ट स्पोर्ट्स सिटी मेटावर्स पर लॉन्च करने के लिए तो दोस्त मेटावर्स पर फर्स्ट स्पोर्ट्स सिटी को लॉन्च किया जाएगा वी आई ओ एम करेगा बिलिव डॉट क्लब करेगा और किसके साथ कोलैबोरेशन में यह इस तरीके का करने जा रहा है इनका नाम है शिखर धवन ओके okay? शिखर धवन इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन क्लियर भाई? डन। तो ये हमारे important, important हम लोगों ने कंपाइलेशन कंप्लीट कर लिया जिसमें हम लोगों ने प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड जनवरी से लेकर जून तक के सारे रिवाइज कर लिए फाइन आज जो हम लोग करने जा रहे जो मैं अब एड करूंगा इसमें होगा स्टेटिक स्टेट वाइज जो मैं पहले आपके लिए स्टेटिक एड करता था फिर दोबारा से एड कर रहा हूं आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे कल इसमें और नई नई चीजों को भी हम लोग कवर करेंगे ओके तो छब्बीस जनवरी उन्नीस को असम का स्टेट टू ओके स्थापना हुई थी कैपिटल दिसपुर है है मुख्यमंत्री का नाम हेमंत है, विश्व शर्मा ओके जो इसके गवर्नर है, जगदीश मुखी, जगदीश मुखी है फाइन नेक्स्ट यार दोस्त कुल मिलाकर 35 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं लोकसभा की जो सीट है वो 14 है राज्यसभा की जो सीट है उसमें सात है चौदह लोकसभा सीट सात राज्यसभा सीट फाइन सिटी कौन सी है गुवाहाटी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज असमी हो गई और बॉर्डर स्टेट में अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मेघालय त्रिपुरा मिजोरम और वेस्ट बंगाल अभी हम लोग मैप से देख लेंगे ओके okay? इसको हम लोग मैप से देख लेंगे आगे बढ़ते हैं ये किन किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है उसमें भूटान भी, भी है और बांग्लादेश भी है भूटान एंड बांग्लादेश इन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है इससे ऊपर यहां पर स्टेट हो गए ठीक है दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब जरा देखिएगा अभी और भी ये कंटेंट पढ़ेंगे असम स्टेट ये रहा यह किन किन के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है अब क्लॉकवाइज चलो एंटी क्लॉकवाइज चलो कैसे भी ये अरुणाचल प्रदेश हो गया फाइन ये नागालैंड हो गया मेरे भाई ये मणिपुर है मिजोरम त्रिपुरा मेघालय और इधर देखेंगे तो ये वाला पार्टी वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो एक दो तीन चार पांच छ सात सात स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है अरुणाचल प्रदेश नागालैंड ओके मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय और वेस्ट बंगाल, ओके okay? इसके अलावा मेरे दोस्त किन किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो इधर वाला पार्ट देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ कर रहा है और इधर वाला पार्ट है भूटान के साथ तो भूटान और बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है क्लियर दोस्त ओके okay? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डिब्रू साइको काजीरंगा मानस नामेरी यही लिखना औरंग नेशनल पार्क यही लिखना दोस्त देहिंग पटकई नेशनल, नेशनल पार्क और यही लिखना रायमोना नेशनल पार्क ओके रायमोना सिक्स नेशनल पार्क है और देहिंग पटकई सेवेंथ नेशनल पार्क है तो कुल मिलाकर यहां पर सेवन नेशनल पार्क से है देबरू साइकोबा काजीरंगा मानस नामेरी ओके okay? काजीरंगा मानस नामेरी ये आपके कितने नेशनल पार्क हो गए यहां पर सात काजीरंगा मानस नामेरी औरंग देहिंग और, और रायमोना नेशनलोरा साथ साथ बुरा चपोरी चक्रशिला लाव खोबा प्लस गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको और याद रखना गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके तो पॉबीतोरा बुरा चपोरी चक्रशिला लाव खोबा गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी असम राज्य में हो गई इसके अलावा ला� लॉन्गेस्ट रिवर आइलैंड माजुली ये ब्रह्मपुत्र रिवर में है ओके तो दोस्त लॉन्गेस्ट रिवर आइलैंड कहां पर है ब्रह्मपुत्र भाम, भाम, रिवर में इसका नाम माजुली है इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम फेमस स्टेडियम ये भी आपका असम में है कामख्या टेम्पल सुकरेश्वर टेम्पल दो फेमस टेम्पल है ये भी आपके असम के हैं इसके अलावा लोकप्रिय गोपीनाथ बुर्दोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी आपका असम राज्य में है इसके साथ साथ एक रूपसी एयरपोर्ट भी आपको याद रखना है जो कि असम राज्य में है कंटेंट कैसा लग रहा है मेरे भाई सेशन समझ में आ रहा है बढ़िया लग रहा है मैं आपको प्रॉपर रिवीजन भी करा रहा हूं सारे न्यूज भी कवर कर रहा हूं कुछ न्यूज स्किप होते हैं फॉर्म में कवर कर रहा हूं कंपाइलेशन भी न्यू न्यू ऐड कर रहा हूं मेरे भाई स्टैटिक भी ऐड कर दिया अब तो खुश होंगे तो आपसे गुजारिश है जो रिकॉर्डेड देखते हैं वो लाइव प्लीज जुड़ा करिए ओके जो हम लोग का सेशन अड़तालीस सौ अड़चास सौ रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि नंबर भी इंक्रीज हो ओके तो आई एम रेडी दोस्त हर तरीके से आपके लिए तो आप भी थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए सात बजे लाइव जुड़ने का फाइन क्लियर है दोस्त ओवरऑल सेशन, बट इसके अलावा अब आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि प्लीज यार वॉरियर प्रो में जरूर एडमिशन लीजिए जाकर वारियर प्रो आपका बैंक का भी पार्ट है, है, है। जिसमें आपको मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए वॉरियर 3.0 तो दे ही रहा था जो रनिंग में है मेरे भाई अब इसके अलावा मैं वॉरियर 4.0 भी दूंगा जो कि ट्वेंटी ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहा है 23 जुलाई से ठीक है इसकी टाइमिंग रहेगी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे सुबह दस से ग्यारह की इसकी टाइमिंग है मंडे वेन्सडे फ्राइडे मेरे भाई दस से ग्यारह की ओके ये टाइमिंग है दूसरा करंट अफेयर्स इसमें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्त तो अप्रैल का प्रोवाइड कर दिया आज मे की क्लास है साढ़े आठ बजे से ठीक है साढ़े आठ से साढ़े नौ आज मे की क्लास होगी आपकी और दोस्त करंट अफेयर्स एमसीक्यू इसमें वीकली एमसीक्यू भी अब मैं प्रोवाइड कर रहा हूं थ्री थाउजेंड प्लस एमसीक्यू में ओके okay, और प्लस ये स्टैंडिक जी के बैच भी आपको देखने को मिलेगा तो ये चार बैचेस का कॉम्बो आपको मात्र मिल रहा है वन फोर नाइन सिक्स में और आज बारह महीने की बजाय चौबीस महीने वैलिडी के साथ मिल रहा है यू विल यूज कोड वाई वन सिक्स ओके मेरा कोड आप यूज करेंगे तो जितने भी एस्पायरेंट है जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए जा रहे हैं जिनको करंट करंट अफेयर्स अफेयर्स एमसीक्यू फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट कंप्लीट करना है मेरे भाई तो आपको इस बैच को एनरोल कराना चाहिए बहुत नॉमिनल प्राइज रखे चौबीस महीने वैलिडिटी के साथ है आपको एप्लीकेशन पे जाना है वॉरियर प्रो सेलेक्ट करना है वाई वन सिक्स एट लगाओगे उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कॉइन सेलेक्ट करने का कॉइन सेलेक्ट कर लेना ये प्राइस वन फोर नाइन सिक्स पे आएंगे बट कोड यार मेरे दोस्त वाई वन सिक्स एट ही यूज करिएगा फाइन क्लियर है दोस्तों क्लियर इतना सभी के ओके ये बैच आपका बैंक महापेक का भी पार्ट है और बैंक महापेक प्लस का भी पार्ट है इसके अलावा आज प्रिंटेड बुक्स पर आपको 22% डिस्काउंट मिल रहा है एक्स्ट्रा 1% डिस्काउंट एप्लीकेशन पर रहता है लेकिन जिनको भी प्रिंटेड बुक्स कंप्लीट बुक सेट ऑर्डर करनी है आज ऑर्डर कर लीजिएगा इज द लास्ट डे ओके वाई वन सिक्स एस कोड आपको इसके लिए यूज करना है वाई वन सिक्स एस कोड फाइन डन इसके अलावा मेरे भाई शांत सर आपके लिए आई क्लर्क के लिए आर क्लर्क एम के लिए मैथ्स का 15 जुलाई को शाम आठ बजे एक फाइनल गेम सेशन लेकर आ रहे हैं कंप्लीट रिवीजन सेशन रहेगा इसमें भी आप लोग जुड़िएगा ओके क्लियर है भाई तो दोस्तों आज आपसे गुजारिश रहेगी कि ऐसे एक्सपायरेंट जो इंतजार कर रहे थे कि वॉरियर प्रो में कब डबल वैलिटी आएगी तो वॉरियर प्रो में आज के लिए डबल वैलिटी आई है सिर्फ तो कोशिश करिएगा आज मेरे दोस्त किसी भी हालत में आप लोग इस बैच में एडमिशन ले लें ओके इस बैच में फायदा यह है कि करंट अफेयर्स आपका चलता रहेगा ठीक है हर महीने आपको करंट अफेयर्स मिलता रहेगा हर महीने करंट अफेयर्स एमसीक्यू मिलते रहेंगे ठीक है समझ रहे हैं दोस्त फाइनेंशियल अवेयरनेस बैच आपको 3.0 दिया गया 4.0 भी दिया जा रहा है तो इट इज अ कंप्लीट बैच फाइन ये आपका बैंक महापैक का भी पार्ट है अड्डा के महापैक का भी पार्ट है और बैंक महापैक प्लस का भी पार्ट है ये बेसिकली मेंबरशिप मेंबरशिप होती है membership मतलब आपके पास बैंक महापैक है तो आप बैंक और इंश्योरेंस की सारी क्लासेस देख सकते हैं आपके पास बैंक महापैक प्लस है तो बैंक

हम आपको कम से कम रिकमेंड करते हैं आपके पास बारह महीने का होना चाहिए बाय यूजिंग माय डिस्काउंट कोड माय प्रोमो कोड दिस इज वाई वन सिक्स एट ओके डन मेरे भाई चलिए कल मुलाकात करते हैं सेशन में कैसा लगा सेशन प्लीज अपने पॉजिटिव नेगेटिव जो भी व्यूज है शेयर करिएगा ओके okay? जैसे भी व्यूज है मेरे दोस्त शेयर करिएगा फाइन शुक्रिया दोस्तों बाय बाई राधे राधे